तो यार अभी मैं ना इनके लिए चावल वगैरह ये ले आया हूँ। तो यार पहले एक आपको है ना एक गुड न्यूज़ बता दूँ कि है ना हम आज है ना चार नए है ना चूज़े लाए हैं, फार्मी चूज़े, और वो भी घर के पले हुए। तो उम्मीद करते हैं कि यार वो पल जाएंगे हमारे से, ठीक है। तो अभी है ना मैं आपको एक और बैड न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अब लेट हो रहा है स्कूल के लिए जाना है मेरे को। तो ये देखें अंडे, और ये अंडे मैंने सारे अंडे वगैरह तोड़े थे, तो यार एक के अंदर भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं निकला। मैंने सारे तोड़ दिए, मैंने सारे तोड़ के अंदर से चेक किए, लेकिन मतलब सबके अंदर से बदबू आ रही थी। और तब मैंने वीडियो भी बनाना नहीं सोचा, क्योंकि यार फिर बहुत ज़्यादा अजीब ऐसा लग रहा था। तो यार कोई भी अंडा बिल्कुल, सारे अंडे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, कोई एक के अंदर ही बच्चा नहीं था। मेरा बड़ा दिल टूट रहा था, लेकिन चल कोई बात नहीं। और आज है पहली रमज़ान, तो यार पहली रमज़ान की दिन, और आज है ना पहला रोज़ा है मैंने किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारे 3 दिन गुजर जाएंगे अच्छे तरीके से, और सारे के रोज़े मैं कर लूँगा। और आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी है ना सारे के सारे रोज़े करें और मेरे ब्लॉग है ना रोज़ देखें। वैसे रोज़ आते तो है नहीं, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक डेली ब्लॉगिंग, यू नो। यस, तो आपको एक दफ़ा मैं ना अंदर का माहौल दिखा देता हूँ। अरे छोटी तू निकल गई बाहर, चल अंदर आ जाओ। ये देखें अब यार ये सारे बाहर आ गए, और ये देखें जी इनको है ना मैंने अंदर अभी बंद किया हुआ है, उसको इनको अभी मैं नहीं खोला, और इनको भी अभी मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं है। पहले हम हमारे फार्मी चूज़ों को खोल लें, उसके बाद है ना इनको खोलेंगे। आ जाओ, अभी हम है ना हमारे फार्मी चूज़ों को खोलते हैं। मैंने उनको अंदर रखा है। अबे यार सारे के सारे निकल गए, 2 बच्चे हैं और दूसरे 2 को पकड़ लाता हूँ। भाई ये देखें हमारे पास मतलब के 3 भरे हैं, ठीक है तो सारे एक ही उम्र के, लेकिन ये वाला जो है ना सबसे छोटा वाला, तो जिनसे हम खरीद के लाए थे ना, तो उन्होंने बोला क्या ना हमने तो सारे एक ही उम्र के लिए, लेकिन क्या हुआ कि एक छोटा रहेगा और दूसरे सारे 3 है ना बड़े हो गए। तो वो रहे दोनों, और आपको निकालूँ या खुद निकलोगे आप? और ये देखें इसका अभी भी कलर लगा हुआ है छोटे छोटे छोटे, और ये पता है मारते बड़ा टाइट है। हम इसको कल लेकर आए थे, ये वाले मारते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। हेलो हेलो, मारो मुझे, ये वाले मारेगा शायद। एक एक इधर देख ले भाई, इधर तू देख ले, चल तू आ जा। ये देख मारेगा मारेगा मैं, मार यार, चल तुम लोग तो निकल जाओ। और हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह से है ना सारे सारे बिल्कुल ही है ना मतलब कहते हैं ना एक्टिव होते हैं, तो बिल्कुल वैसे हैं, क्योंकि कल भी हमने इनको खोला तो बिल्कुल बराबर यहाँ वहाँ भाग कर रहे थे, ठीक है। और अभी है ना इनको मैं थोड़े चावल दिखा देता हूँ, इनको चावल दिखा देते हैं एक दफ़ा। तो ये है ना उनको हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ खाना रखा हुआ है। आ जाओ मेरी जान, को भी मैं पकड़ के निकाल देता हूँ, क्योंकि इनका खुद का तो निकलने का कोई इरादा है नहीं। चलो आ जाओ जाओ जाओ, ये देखें सारे बड़े माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है क्या है ना, देसी जो चूज़े होते हैं ना वो मतलब के फार्मी, वो ज़्यादा एक्टिव होते नहीं हैं, बट ये क्योंकि घर के पले हुए ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। भाई पिंक वाले तू निकल जा, चल निकल निकल ले भाई, तेरे भाई लोग सारा खाना खा लेंगे, चलो जाओ। और हाँ ये मेरे को ये भी नहीं पता क्या है ना, ये मेल है फीमेल है या कुछ मतलब प्यारी समझ गई मतलब मेल है या फीमेल है, बस ये नहीं पता मेरे को। थर्ड जेंडर का तो चुप रहो सारे तुम लोग, ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार
हुसैन भाई आपको क्या हो गया? आप इतनी जल्दी सुबह को कैसे उठ गए? क्योंकि आपको पता है यार रमज़ान शुरू हो गया, पहली रात है आज, पहले दिन है और रोज़ा किया है आपके भाई ने। तो आपका भाई है ना फजर की नमाज़ पढ़ने गया था और ये माहौल चेक कर, फुल बादल वाला माहौल है ठीक है, और वहाँ से सूरज निकल रहा है। जल्दी मैं करता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम है ठीक है। और सामने आप बस बादल चेक करिए, देखें उसका पैटर्न, आप चेक करें क्या पैटर्न है सामने से, वो जा रहे हैं कबूतर और क्या आया है, क्या ही मंजर है। आय हाय यार, अभी मैं अंदर की तरफ आया हूँ, इनको मैंने देखा सारा चावल अगर दे दिया इतनी सुबह सुबह को पहली दफ़ा, और चूज़ों के लिए है ना थोड़ा सा ये घास ले जाऊँ जिसके ऊपर वो थोड़ा है ना बैठेंगे ना ठीक से, तो उनको सही रहेगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने है ना इनको यहाँ पे क्यों बंद किया हुआ है यार, क्योंकि अभी है ना अंडे वगैरह कोई नहीं देते, तो मैंने इनको है ना अंडे वाली फीड दी हुई है। और बड़े टाइम से मैंने, मतलब 2 दिन हुए हैं मैंने इनको ये अंडा अंदर बंद किया हुआ है, अभी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी है ना अंडा दे देगी ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंदर रखा हुआ है। तो चलो मैं थोड़ा और ले लेते हैं, और इतना काफ़ी, और इतना जाके है ना उसके घर के अंदर डाल के आ जाता है। चलो यार इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर एक एक करके ना इनको बंद कर देता है। आओ भाई मदद करो मेरी, आ जाओ चलो उतरो, चलो पकड़ो सारो सबको, चलो जल्दी पकड़ो जल्दी, टाइम नहीं है। मैं छोटे को पकड़ लेता हूँ, अबे यार लंगरा हमारा चूजा पकड़ रहा है, दूसरा आ गया, भाग गया लंगरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3 आ गए, आखिरी वाला रह गया। चलो भाई ले आओ ले आओ ले आओ, चलो डालो कोने कोने में कोने में, हटो हटो यार, देखो तुमने छोड़ दिया उसको, जल्दी डाल पकड़ेगा। चल भाई अभी देखिए उसको ऐसे करके उठा दोनों तरफ से और अंदर ले आओ, हाँ वो दोनों आखिरी ये वाली तरफ से, हाँ चलो आ जाओ। रख दो आराम से भाई, एक मिनट भाई एक मिनट, देख लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं क्या। चलो भाई एक मिनट इधर आना, कहाँ छुप गए, इधर आना, चल इधर आओ, वीडियो की ज़रा एंडिंग कर दो क्योंकि अभी है ना मेरे पास लव्स नहीं है, तो आप ज़रा एंडिंग कर दें, मैं पागलपन नहीं कर, स्कूल के लिए जाने, जल्दी बोल एंडिंग कर, जल्दी एंडिंग कर साले, चले यार बाय।